मुरादाबाद में लगातार स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ साथ और प्रधानाचार्य और शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश शैक्षिक महासंघ द्वारा काम किया जा रहा है। मुरादाबाद के लाइन पार मानसरोवर कॉलोनी स्थित श्री साई विद्या कन्या इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें देशभक्ति गीतों के माध्यम से बच्चों ने संदेश दिए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद माध्यमिक संवर्ग द्वारा श्री साई विद्या कन्या इंटर कॉलेज मानसरोवर मुरादाबाद में आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव समारोह में मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह, जिला संरक्षक डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव, प्रधानाचार्य अनीता चतुर्वेदी, प्रबंधक राहुल खन्ना द्वारा भारत माता एवं माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्चन कर स्वतंत्रता के बलिदानी वीर वीरांगनाओं का पुण्य स्मरण कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए एवं बलिदानी वीर वीरांगनाओं की त्याग तपस्या बलिदान व शौर्य की गौरव गाथाओं से विद्यार्थियों व शिक्षक समाज को अवगत कराया गया। हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा की टॉपर कुमारी हिबा राणा व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के कॉलेज टॉपर निशु दिवाकर छात्राओं को मेडल पहनाकर व प्रधानाचार्य अनीता चतुर्वेदी, प्रबंधक राहुल खन्ना को त्याग तपस्या बलिदान एवं शौर्य का प्रतीक भगवा गमछा व भारत माता का चित्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। कॉलेज की वरिष्ठ शिक्षिकाओं अलका कौशिक, पार्वती शर्मा को भी भारत माता का चित्र भेंट कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह, मुख्य अतिथि जिला संरक्षक डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि प्रबंधक राहुल खन्ना, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रधानाचार्य अनीता चतुर्वेदी रही। कॉलेज की विद्वान शिक्षिका अक्षिता मलिक, शिल्पी मिश्रा, प्रार्थना प्रीति साहू के कुशल प्रशिक्षण व मार्गदर्शन में कॉलेज की छात्राओं प्राची, कोशिका, कशिश, अक्षिता, नीलम, मीनाक्षी, यामी, कृति, निशी, हिमांशी, इशिका, कुमकुम, समृद्धि, भूमि, रिद्धि, अनुष्का, ऐश्वर्या, अवेल, अंशिका आदि ने मनमोहक देशभक्ति गीत, पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर हुए आतंकी हमले पर आधारित लघु नाटिका, वंदे भारत पर नृत्य नाटिका आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता के बलिदानी वीर वीरांगनाओं को नमन व वंदन किया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने पूरे देश भर में 2,00,000 से भी अधिक विद्यालयों में अमृत महोत्सव के सुंदर भव्य आयोजन कर देश के बलिदानी वीर वीरांगनाओं को नमन करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसमें समस्त शैक्षिक जगत ने सराहनीय योगदान देते हुए देश व समाज को सकारात्मक दिशा व दशा देने का कार्य किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सभी शिक्षाविदों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों व मेधावी विद्यार्थियों का 10 सितंबर 2022 को मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मुरादाबाद माध्यमिक संवर्ग द्वारा आयोजित शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी व शिक्षक अभिनंदन मेधावी विद्यार्थी अभिनंदन समारोह में अभिनंदन किया जाएगा। 75वां अमृत महोत्सव पूर्ण हर्षोल्लास के साथ समस्त भारतवंशी पूरे दुनिया के अंदर मना रहे हैं। इसी के निमित्त राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने पूरे देश भर में 1 अगस्त को अमृत महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत 2,00,000 विद्यालयों तक अमृत महोत्सव के सुंदर आयोजन कर भारत के स्वतंत्रता में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले, निछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को नमन करने के, उनका पुण्य स्मरण करने के, उनकी गौरव गाथाएं, उनके शौर्य पराक्रम की जो गौरव गाथाएं हैं उनको विद्यार्थियों और समस्त समाज के समक्ष रखने का काम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने पूरे देश के अंदर किया है। 2,00,000 विद्यालयों में इस तरह के सुंदर आयोजन कर देश के बलिदानी वीर वीरांगनाओं को नमन करने के ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम हुए हैं। उसी के निमित्त आज इस मुरादाबाद नगर के, मुरादाबाद जनपद के बहुत श्रेष्ठतम उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र
श्री साई विद्या कन्या इंटर कॉलेज में यह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। जिला संरक्षक पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव ने अमृत महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम 15 अगस्त 1947 को शारीरिक रूप से तो आज़ाद हो गए, पर अपनी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर पाने के कारण बहुत से लोग कई वर्षों तक मानसिक गुलामी से आज़ाद नहीं हो पाए। स्वराज तो मिला पर स्वतंत्र का सपना पूरा नहीं हो पाया। स्वतंत्रता के बाद देश की राजनीति, समाज व्यवस्था व जीवन दर्शन पर से विदेशी प्रभाव दूर होना चाहिए था, पर वे बढ़ता चला गया। हम अपने ज्ञान के बजाय विदेशी ज्ञान को अधिक प्रमाणिक मानने लगे। भारत के पास अभिमान करने के लिए हजारों वर्षों की गौरवशाली परंपरा व समृद्ध इतिहास रहा, परंतु हम अंग्रेजी शिक्षा के दलदल में ऐसे फंस गए कि हमें उनका ही सब कुछ अच्छा लगने लगा है। हमें ध्यान रखना होगा कि किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वे अपने अतीत के अनुभव और विरासत से निरंतर जुड़ा रहता है। इसलिए हमें आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों के बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना होगा और उनके सपनों के भारत की ओर उन्हें ले जाना होगा। कहा कि आज की शिक्षा बच्चों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हमें बच्चों को पढ़कर उनकी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना होगा, तभी हम बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार कर पाएंगे। आज सर ये श्री कन्या विद्या इंटर कॉलेज मानसरोवर में ये भारत महोत्सव का 75वीं आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं हम, और इसमें यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर्स और जोगिंदर पाल जी SSK के वो सब आए हुए हैं। इसमें हमें बताना है कि आज़ादी किस प्रकार हासिल हुई, आज़ादी की आवश्यकता क्या थी, और जो आज़ादी में जिन लोगों ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, बहुत से लोगों ने सजाएं काटी हैं, उन सबको हम इसके उद्देश्य के द्वारा मना रहे हैं।